हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ, तो आज हम पूरी फैमिली राजगीर जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और भी जो जो चीज़ें होंगी सब कुछ दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, मैं आगे का ब्लॉग से निकलते ही शूट करूँगी। ये रही हमारी गाड़ी जिससे हमें जाना है, और यहाँ पर मैं, मेरा बाबू, मम्मी जी और मौसी जी आके बैठ चुके हैं, बाकी लोग बाद में बैठेंगे। नवादा से राजगीर जाने का डिस्टेंस 20 से 25 किलोमीटर के अराउंड होगा, और साथ ही हमें यहाँ जाने में करीब 1 घंटे के अराउंड लग गया था। ये रास्ते का व्यू देखिए, यहाँ से पहाड़ दिखना भी शुरू हो चुके हैं। हम लोग सुबह के 7 बजे निकल चुके थे घर से। आप यहाँ की ग्रीनरी देख सकते हैं और रोड देख सकते हैं कितनी खाली खाली है। और ये रही मेरी पूरी फैमिली, और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड बाइक से आ रहे थे, क्योंकि गाड़ी में स्पेस भी नहीं बचा था, गाड़ी फुल हो चुकी थी। और ये हम पहुंच चुके हैं राजगीर के ब्रह्मकुंड में। यहाँ पे ये मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है, ये मेन गेट है ब्रह्मकुंड का। और इस साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ हैंडमेड डेकोरेशन के आइटम मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको मैं मेन गेट का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे अंकल जी पेड़ा बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही एक लाइन में आपको भिखारी दिख जाएंगे, इनकी संख्या काफ़ी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर भीख मांगने के लिए। यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी जिससे हमें ऊपर जाना है, और साथ ही ऊपर बोर्ड लगा हुआ, गर्म पानी कुंड ऊपर है, तो इसके लिए हमें, गर्म पानी के कुंड के लिए हमें ऊपर जाना है। यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ पे पूरा साल यहाँ पे गर्म पानी आता है, जो कि पहाड़ों से आता है। चाहे यहाँ पर मौसम कोई सा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ पर पानी गर्म ही आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे बंदर है, बंदर भी बहुत हैं यहाँ पर। आपको अपना खाने पीने का सामान यहाँ पर छुपा कर ही रखना चाहिए, ना तो ये बंदर हमला कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे का भी कुरकुरे का पैकेट इन बंदरों ने छीन लिया था, जिसके लिए वो काफ़ी देर तक रोता रहा। ये ब्रह्मकुंड के साइड में इस तरीके से बना हुआ है, और ये हम अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली लोग नहाने के लिए ही आते हैं, नहाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं साइड पर। यहाँ पे ये नीचे जाने पे आपको सारी धाराएं दिख जाएंगी। यहाँ पे 7 धारा बनी हुई है, 7ों धारों से गर्म पानी आता है यहाँ पे। यहाँ पे 24 आवर पानी गर्म आता है। कहा जाता है कि ये पहाड़ों से पानी आता है जिसमें शायद सल्फ़र मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी हमेशा गर्म आता है। इस तरीके से लोग नहाते हैं, इसे पीते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इसे पीने से कई तरह की बीमारियाँ दूर होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं नहाने के लिए। ये तो नॉर्मल डेज़ की बात है। अगर यहाँ पे कभी मेला लगता है, जो कि 3 साल या शायद 5 साल पे लगता है, तब तो आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। और ये इस तरीके से यहाँ पे कुंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कुंड के बारे में कहा जाता है कि शायद ये पानी ज़मीन से आता है। यहाँ पे 4 कुंड बने हुए हैं, जबकि सभी कुंडों में गर्म पानी ही आता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मगरमच्छ की शेप बना रखी है, उससे गर्म पानी आ रहा है, लोग नहा रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं। ये इस तरीके से बना हुआ है यहाँ, ये यहाँ पे नहाने की तैयारी करते हुए। तब तक हम लोग उनके नहा के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। हम लोगों का नहाने का प्लान नहीं था। यहाँ ब्रह्मकुंड के साइड में स्विमिंग पूल बना हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, जहाँ पे आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएगा चेंज करने के लिए। और हाँ, वो स्विमिंग पूल गर्म पानी का नहीं है, वहाँ पे नॉर्मली पानी आता है, जो जैसा टेम्परेचर रहता है उस तरीके से। यहाँ पे मेरे बेबी ने कॉटन कैंडी लिया है, उसे ही खा रहा है। और ये रही मैं उसे कॉटन कैंडी खिलाते हुए, और कॉटन कैंडी को देख के एक बंदर आ जाता है सामने से। डर के मारे बाबू की कॉटन कैंडी हमने बंदर को दे दी। आप देख सकते हैं कैसे मज़े से खा रहा है ये। उन लोगों के नहा के आने के बाद इन लोगों का भी मन हो गया नहाने का, तो ये लोग भी जा रहे हैं नहाने के लिए। ये कुंड में जा रहे हैं, ये कुंड है गर्म पानी का, जहाँ पे आप पानी देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक होगा, आई थिंक 5 फुट तक तो होगा ही पानी। और ये हम वापस जा रहे हैं, वापस निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ था मुस्लिम संप्रदाय को प्रवेश नहीं है। वापस निकलने के बाद हम लोगों ने चाय पी, और ये ब्रह्मकुंड का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सफारी, जो कि आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा देखने को। आपको मैं ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और भी बहुत कुछ दिखाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़।